तो इस वीडियो में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये जो है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो खबर आ रही है वो टिकटॉक की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टबैंक जो है टिकटॉक को खरीदने वाला है। कौन कौन सी लिस्ट बना चुका है तो उसके बारे में। और दोस्तों कैरी मिनाइटी की तरफ से एक अपडेट आया है और पबजी अनबैन को लेकर भी एक अपडेट आया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे कुछ अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला जो अपडेट आ रहा है वो कैरी मिनाइटी की तरफ से आया है। दोस्तों कैरी मिनाइटी की, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह की कैरी मिनाइटी की नई वीडियो आने वाली है, तो वो आ चुकी है और सब लोगों को लग रहा था कि ये जो कैरी मिनाइटी की वीडियो होगी वो बॉलीवुड रोस्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो वीडियो आई है वो इंडियन आइडल के ऊपर है और उन्होंने जो है इंडियन आइडल को रोस्ट किया है और उसमें दिखाया है कि कैसे इंडियन आइडल में कुछ फनी मोमेंट होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं जाके। काफी जो है फनी मोमेंट उसमें दिखाया गया है। और इसमें जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि इस वीडियो ने जो है मात्र एक घंटे में ही 1 मिलियन जो है लाइक्स अचीव कर लिए और ये वीडियो जो है काफी ज्यादा ये वायरल में चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो पे जो है काफी डिसलाइक भी आ रहे हैं क्योंकि इंडियन आइडल को रोस्ट किया है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय जरूर बताएगा। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों, पबजी बैन हो गया है लेकिन उसकी जगह पे जो है एक इंडियन पबजी एक गेम आने वाला है, बिल्कुल पबजी की तरह ही होगा। इसकी जानकारी जो है अक्षय कुमार ने अपनी पोस्ट डालकर बताया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है दोस्तों हरभजन सिंह की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हरभजन सिंह ने ऐसा एक अपडेट आया है हरभजन सिंह की तरफ से। उन्होंने बताया कि कुछ पर्सनल रीजनों की वजह से जो है IPL 2020 वो नहीं खेल पाएंगे। हालांकि इस खबर से उनके जो फैंस हैं उन्होंने पूछा भी था कि आखिर क्यों नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो इतना ही कहा कि कुछ पर्सनल रीजनों की वजह से वो IPL 2020 नहीं खेल पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है दोस्तों पबजी अनबैन को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि पबजी जो है अभी बैन हुआ है हाल ही में इंडिया में और 118 ऐप जो है बैन हुए हैं पबजी को मिला के। तो इस पर जो है रिएक्ट करते हुए चाइना की तरफ से एक अपडेट आया है और ग्लोबल टाइम की जो है उन्होंने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि चाइना की जो फर्म है उन्होंने जो है इस चीज पर जो है ऑब्जेक्शन उठाया है इंडिया के ऊपर और उन्होंने कहा है कि 118 चाइनीज ऐप जो थे वो क्यों बैन किए, उससे जवाब भी मांग रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या होता है हम आपको जो है सारा अपडेट कराते रहेंगे। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है दोस्तों टिकटॉक की तरफ से। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था टिकटॉक इंडिया का व्यापार जो है कुछ कंपनियां खरीद रही हैं, सॉफ्टबैंक को मिला के जो है और भी कंपनियां शामिल करने में जुटा हुआ है सॉफ्टबैंक। और बताया ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो शेयर्स होंगे इंडिया में टिकटॉक को खरीदने के लिए वो सॉफ्टबैंक के ही होंगे। हालांकि उसे जो है कुछ और भी जुटाने पड़ेंगी कंपनियां। तो इसमें जो है पहले आपको पता होगा कि रिलायंस का इसमें नाम जोड़कर देखा जा रहा था। दोस्तों मैंने आपको पहले ही अपडेट करा दिया लेकिन कुछ लोग जो है यकीन नहीं मान रहे हैं, लेकिन भाई मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो न्यूज़ है जो अपडेट है वो अपडेट है। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इंडिया का जो व्यापार है वो बिक सकता है और आने वाले समय में आपको देखने को ये मिलेगा। तो हम आपको जो है अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे क्योंकि ट्रंप सरकार के मुताबिक जो है 15 सितंबर तक का इसके पास समय है। तो बहुत जल्द कर रहा है टिकटॉक और बाकी जो कंपनियां हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है दोस्तों कंगना रनौत की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, उस पर जो है उन्होंने बताया था कि रणवीर सिंह और रणवीर कपूर जो है बाकी और जो इंडस्ट्री में बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो एक्टर हैं उन्होंने जो है बहुत ड्रग्स लेते हैं, बहुत बड़ा जो है ड्रग्स का कारोबार होता है। तो इस पर जो है शिवसेना के जो कुछ नेता जो है वो नाराज हो गए और कंगना को जो है बुला लिया मुंबई। तो कंगना ने ये बयान दिया कि 9 सितंबर को वो मुंबई आ रही हैं। तो उन्होंने अपने शब्दों में जो है स्पष्ट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो लगातार बनी हुई है चर्चा में सुशांत सिंह के केस को लेकर, तो आने वाले समय में क्या होता है हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की सोशल मीडिया अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।